इस जगह के बारे में हमें बता दें, इसकी तारीख के बारे में हमें बता दें। वैसे तो तारीख ये तो बहुत पुरानी है, ये सतयुग से लेके अभी तक कलयुग है। आखिरी सतयुग, त्रिपुटा युग, द्वारपा युग, ये कलयुग है। सतयुग की उम्र थी 17,28,000 साल। उसमें शिव, माता सती और पार्वती और गणेश वगैरह थे। इसके बाद आया रामचंद्र का युग, जिसमें सीता, हनुमान, लक्ष्मण वगैरह थे। उस युग की उम्र थी 12,96,000 साल। उसके बाद आया कृष्णा का युग, जिसको द्वारपा युग बोला जाता है। उसकी उम्र थी 8,64,000 साल। ये है कलयुग। कलयुग की उम्र है 6,32,000 साल, लेकिन इस युग को गुजरते हुए हुए 5,118 साल। अगर हम तीनों को मिलाते हैं तो हो जाते हैं 38,93,118 साल। जब ये हमारा मंदिर वजूद में आया था तो सतयुग को 6,00,000 साल गुजर चुके थे। अगर हम 6,00,000 साल काटते हैं उसमें से, तो बाकी बचते हैं 32,93,118 साल। इसकी आपने तारीखी अहमियत बता दी कि इसको हिंदू मजहब में, ये इसलिए इसकी अहमियत है कि जब माता ने एक राक्षस को मारा तो माता ने उनसे कहा कि आप आखिरी ख्वाहिश ऐसी बताएं, अच्छे में अच्छी बताएं। फिर उसने कहा कि माता अस्तान को वरदान दो उत्तम यात्रा का। एक मिसाल है, जिस तरह हमारे मुसलमान भाई खाने कैबों को जाते हैं हज करने के लिए, तो ये हमारा हज खाना उत्तम यात्रा हो जाए। इधर जिससे जो भी बंदा आए सच्ची लगन से एकामात के साथ उत्तम यात्रा अदा करेगा, उसके सब पाप मिट जाए, निर्मल हो जाए, मोक्ष मिल जाए। दूसरा, इधर ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, मित्र हत्या, गुरु हत्या के जितने भी पाप हमसे हो जाते हैं एकामातों के साथ अदा किया जाता है तो वो भी मिट जाते हैं। जिस तरह श्री रामचंद्र आया ब्रह्म हत्या मिटाने के लिए, ये तो आम आशार बात है। महाराज, हिंदू मजहब में जिस तरह आपने कहा, जिस तरह मुसलमानों में हज है, तो एक बंदा यहाँ आता है तो उसको हिंदू मजहब में अपनी गुनाहों की जिस तरह बख्शिश उसने करानी है, तो कितने दिन यहाँ रहना होगा? ये देखिए ना, मैं आपको बताऊँ, ये दिन की बात नहीं है, एकामातों की बात है। एकामात अदा करने हैं, जिस तरह पहले ठट है, उसके बाद लियारी, उसके बाद चंद्रकोप, चंद्रकोप के बाद अगोर, जहाँ हमारे मरुम जो होते हैं मर जाते हैं उनकी सवाब खानी करना, फिर आना हनुमान के पास, फिर काली, फिर ये इधर आखिरी होता है, इधर त्वाफ होता है, हवन होता है, जो मजहबी अकामात हैं उसके हिसाब से, फिर जाते हैं पहाड़ों के ऊपर, 4 किलोमीटर दूर है, 5 घंटे लगते हैं आने जाने में, लेकिन इनके अकीदे इतने सख्त होते हैं कि उनको परवाह नहीं होती। तपती धूप में नंगे पांव जाते हैं, वहाँ कुआं है जिसको अनिल कुंड कहते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ का, वहाँ पर स्नान करते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर जिस तरह अलविदा किया जाता है इस तरह अलविदा करते हैं इधर, फिर चले जाते हैं। 3 दिन लगते हैं, 3 दिन यहाँ ठहरना, यहाँ ठहरना। यहाँ पे रहने की क्या, यानी मैं आता हूँ, देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ, इधर 1.5-2 लाख आदमी आ जाए तो हमारी कमेटी क्या कर सकती है रहने के लिए? उनके लिए दूसरे अरेंजमेंट है, जिस तरह वीरसिमल ने किए हुए हैं। देखिए, भंडारा इधर भी है, उतरने वालों के लिए भी है, पानी ठंडा अभी आप देख रहे हैं, इधर भी है, काली पे है, गणेश पे है, और उधर आप आगे जाके देखेंगे जहाँ यह 84 करने वहाँ पर है, ऊपर टंकियाँ बनाई गई हैं, ये इनके लिए सब सहूलत की गई है। बाकी रहायश है वो तो खुद करेंगे ना, वो जहाँ उनको सोना है तो सो जाए। हम 2 लाख आदमियों के लिए पूरी ज़मीन तो नहीं है हमारे पास, ये पहाड़ी सिस्टम है, इसके अंदर कैसे कर सकते हैं आप बताएं? पूरा साल, चूँकि आप यहाँ रहते हैं, कितने लोग आते होंगे आपके ख्याल में यहाँ? साल में तो लाखों आदमी आ जाते हैं, लेकिन इधर तकरीबन अंदाजा है कितना कम कितना ज़्यादा, तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब हो जाते हैं। नहीं, सालाने का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन इस जो आज आज ये आए हैं, ये 1.5-2 लाख के करीब हो जाता है। महाराज, इसके ये किस, ये जो 3 दिनों के लिए लोग आते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? कहानी ये है कि वो अपने गुनाह मिटाने के लिए आते हैं, अपनी तमन्नाएं लेके आते हैं, जिस तरह क्या जाता है बड़ी यात्रा की जाती है, इसलिए मुराद इनकी पूरी होती है और होती है। हिंदू मजहब में इस जिस दिन से जब आज ये शुरू हो रहा है,
ये कोई अहम दिन है क्या, यानी जिस तरह हमने आज के महीने रखे हैं? ये जिस तरह आप हज कहते हैं ना, हज कहते हैं, इस तरह हमारी उत्तम यात्रा की अहमियत है। उत्तम यात्रा यानी आला ज़ियारत, हज का मतलब भी है आला ज़ियारत, जो अल्लाह के तरफ से मुकरर की गई है, ये देवताओं के तरफ से मुकरर की गई है, इसमें इतना तफावत है। हिसाब से हमारे वैसाख का दिन होता है, वैसाख का महीना आता है, तो वैसाख का महीना जो है ना